हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है शेड्यूल। सो फ्रेंड्स, प्रेस पावर बटन एंड कॉल्स किस प्रकार से यूज़ करते हैं वो बताऊंगे, किस प्रकार से इनेबल होता है एंड डिसेबल वो सब। और फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में पहली बार है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है मतलब कि टॉक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करते हैं, तब आपको यहाँ नीचे दिखता है प्रेस पावर बटन एंड कॉल, इस प्रकार से ऑफ होता है, इस प्रकार से ऑन होता है। ये तो ऑन यानी कि इनेबल एंड ऑफ यानी कि डिसेबल। तो इस प्रकार से ऑन करने से होता है कि अगर ऑन करके रखेंगे तो आपको यूज़ कर पाएंगे, वैसे नहीं तो। ऑन करने से होता है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो रिसीव करने के लिए आप मतलब ग्रीन रंग का डायल पैड उठाते हैं, तब आप कॉल ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड आंसर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मतलब अगर आपका वो भी नहीं है तो फ्रेंड्स किस प्रकार से आंसर मतलब कि उस टाइम नहीं है आपके पास तो किस प्रकार से देंगे, इसके लिए आपको पावर बटन को प्रेस मतलब सी को दबाएंगे। कॉल को जब भी आपके पास कोई भी कॉल आए तो पावर बटन को दबा लेंगे, तब आपके पास कोई कॉल रिसीव हो जाएगा। एंड कॉल काटना है तो दोबारा से पावर बटन को दबाएंगे, कॉल कट जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं पावर बटन एंड कॉल्स। और आई होप आपको समझ आएगा किस प्रकार से पावर बटन एंड कॉल्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।